नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पूनम। चले शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, और सबसे पहले रुख करेंगे इस वक्त की खबर का। इस वक्त की खबर हमें मिल रही है लखनऊ से। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी दौरे पर रहने वाले हैं, तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का यूपी का दौरा है। सुल्तानपुर और अमेठी में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 12 बजे खुर्शीद क्लब मैदान में जनसभा करेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज दौरा है। 1:50 पर रणजय इंटर कॉलेज के गौरीगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद शाम को 4 बजे RRSIMT मुंशीगंज अमेठी में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज दौरे पर रहने वाले हैं यूपी के। इस दौरान सुल्तानपुर अमेठी में जनसभाएं उनकी, जहां जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं 1:50 पर रणजय इंटर कॉलेज गौरीगंज में जनसभा है जेपी नड्डा की। इसके बाद शाम 4 बजे RRSIMT मुंशीगंज अमेठी में जनसभा को संबोधित करने वाले। तो लगातार जो है, इससे पहले भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कई बार यूपी का दौरा कर चुके हैं। अलग अलग विधानसभा सीटों का दौरा किया, बीजेपी के पक्ष में जमकर प्रचार प्रसार किया, जनता से समर्थन मांगा, पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील की, और आज भी यूपी के दौरे पर हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं संवाददाता अशफाक का। अशफाक लगातार जुड़े हुए हैं। अशफाक, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी के दौरे पर रहने वाले, हालांकि इससे पहले भी तमाम विधानसभा सीटों का लगातार वो दौरा कर रहे हैं। जो भी विधानसभा सीटें हैं जहाँ पहले चरण और दूसरे चरण का मतदान हुआ, वहां पर भी लगातार जनसभाएं की, पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में समर्थन मांगा। कितना प्रभाव आज जो सीटें हैं, जिन सीटों का वो दौरा करने वाले, जिन क्षेत्रों के दौरे पर रहने वाले, कितना प्रभाव बीजेपी का है, और जेपी नड्डा के आज के क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं? देखिए, जैसा कि आपने बताया कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सुल्तानपुर के आज दौरे पर रहेंगे। उसके बाद वो अमेठी जिले जाएंगे, और फिर शाम में लखनऊ में बीजेपी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग हो रही है जिसमें वो शामिल होंगे। सुल्तानपुर की बात करें हम सबसे पहले, तो सुल्तानपुर में 12 बजे सुल्तानपुर शहर में उनकी जनसभा है। और पिछले चुनाव की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे 2019 में जो है, जो वरुण गांधी की माँ है मेनका गांधी, वो सांसद है, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो और उनके बेटे दोनों फिलहाल नाराज चल रहे हैं। पिछले चुनाव में अगर 2017 की बात करें विधानसभा की, तो यहां बीजेपी को अच्छी सफलता मिली थी, एक तरफा जो यूं कहा जाए कि क्लीन स्वीप किया था बीजेपी ने। लेकिन इस बार के चुनाव की बात करें, तो यहां पर मेनका गांधी की नाराजगी और सत्ता विरोधी जो थोड़ी बहुत लहर की अगर हम बात कर सकते हैं, तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है। उसके बाद अमेठी के दौरे पर जाएंगे, गौरीगंज विधानसभा में वो रहेंगे। गौरीगंज जो विधानसभा है वो जो समाजवादी पार्टी के कब्जे में है, तो कहीं ना कहीं जो है गौरीगंज में इस बार गौरीगंज ही एक विधानसभा जहां समाजवादी पार्टी जीती थी, कहीं ना कहीं बाकी विधानसभाओं को टारगेट करके गौरीगंज में उनकी जनसभा रखी गई है। उसके बाद शाम को वो लखनऊ लौटेंगे और बीजेपी की जो इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है उसमें शामिल होंगे। जी बिल्कुल। और इसके अलावा बात करें जेपी नड्डा के साथ इस दौरे के दौरान कौन कौन प्रचार में दिखाई देगा, जनसभा जब करेंगे तो उनके साथ कौन कौन से नेता शामिल होने वाले हैं? देखिए, जेपी नड्डा के साथ प्रदेश के दो मंत्री शामिल रहेंगे, जो सुल्तानपुर के एक मंत्री हैं वो शामिल रहेंगे, और प्रदेश के महामंत्री जो हैं, जो विजय कुमार पाठक हैं, वो उनके और MLC भी हैं, उनके साथ में रहने की संभावना व्यक्त की जा रही है। लेकिन इसके साथ ही बीजेपी उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें, तो आज कई बड़े नेताओं का जमावड़ा है। जो गृह मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वो भी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, और ये सारे नेता जो है अलग अलग हिस्सों में जो चौथे और पांचवें चरण में प्रचार करने के बाद शाम को लखनऊ पहुंचेंगे, और जो बीजेपी की एक बड़ी मीटिंग होने वाली है उसमें जो है राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं और जो चुनाव प्रभारी हैं, जो उप चुनाव प्रभारी हैं, साथ में प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी CM और प्रदेश के जो संगठन मंत्री है सुनील बंसल समेत तमाम लोग इस मीटिंग में शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं जो है बीजेपी का जो चुनाव प्रचार जो पिछले 3 चरणों में हुआ है, कल हो चुका है, चौथा पांचवा चरण बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अवध क्षेत्र आता है, और अवध क्षेत्र में बीजेपी जो है अगर देखा जाए तो हमेशा मजबूत रही है, और यही वजह है कि इन नेताओं का जमावड़ा इस वक्त राजधानी में है।
जी बिल्कुल। और अशफाक, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इस बार सपा बसपा सभी पार्टियां बहुत जोर शोर से प्रचार में लगी हुई, जहां एक तरफ सत्ता पक्ष लगातार अपनी उपलब्धियां जनता के बीच गिनाता रहा है, तो वहीं विपक्ष लगातार घेरता रहा है सरकार को, जो है महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर। कितना प्रभाव देखते हैं इन सीटों पर, कि क्या कुछ गणित इन सीटों पर आप देखते हैं, समीकरण क्या बनते हुए नजर आ रहे हैं, कितना प्रभाव जो है बीजेपी का या फिर अदर विपक्षी पार्टियों का रहता है? देखिए, अगर अवध क्षेत्र की बात करें तो तकरीबन 70 के आसपास सीटें अवध क्षेत्र में आती हैं, और यहाँ पर बीजेपी का हमेशा से जो है एक प्रभाव रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो है अगर आप नगर पालिका की बात करें, नगर निगम की बात करें या नगर पंचायत क्षेत्र की बात करें, तो बीजेपी को हमेशा सफलता मिलती रही है। और पिछले चुनाव की अगर 2017 की बात करें तो इन इलाकों में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, चाहे लखनऊ की बात कर ले, उन्नाव की बात कर ले, या फिर हरदोई की बात कर ले, या बाराबंकी की बात करें, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का जो बीजेपी है वो चाह रही कि वो इतिहास दोहराए। लेकिन इस बार चुनावी गणित अलग है, कई नेता बीजेपी से टूटकर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं, समाजवादी पार्टी बीजेपी की जो है बिल्कुल जो है विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई है, बीएसपी भी लगातार हमलावर है, तो कहीं ना कहीं एससी में जो बीएसपी की अध्यक्ष मायावती लगातार रैली कर रही है, दो दिन पहले उन्होंने लखनऊ में रैली की, आज उनकी अम्बेडकर नगर में रैली है, तो कहीं ना कहीं जो है चुनावी रुख जो उत्तर प्रदेश में इस वक्त बिल्कुल चरम पर है, और तकरीबन सभी बड़े नेता इस वक्त जो है चुनाव प्रचार में लगे हुए। कांग्रेस की बात मैं भूल गया था, कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी आज जो अपने मां की संसदीय क्षेत्र यानी रायबरेली में रोड शो करने वाली हैं, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में इस वक्त सबसे, अगर ये कहा जाए कि सबसे बड़ी राजनीति गर्मा गर्मी चल रही है, और टारगेट है विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने का। जी बिल्कुल, टारगेट तो रखा गया है अशफाक जिस प्रकार से, और अगर हम देखें अन्य पार्टियां सपा कांग्रेस बसपा, कितनी बड़ी चुनौती से आप कह सकते हैं इन विपक्षी पार्टियों के लिए? देखिए, चुनौती बिल्कुल है, क्योंकि मुद्दे कई हैं। किसान आंदोलन अगर पश्चिम में है तो अगर पूर्वांचल की बात करें तो बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर मध्य उत्तर प्रदेश की बात करें तो सड़कों को लेकर और जो रोजगार को लेकर बड़ा मुद्दा है। तमाम जो है जो मंदी, अगर हम कहें कि मंदी के दौर में या जीएसटी या नोटबंदी के दौर के बाद से जो एक मंदी शुरू हुई, खासतौर पर अगर लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ जो है जो रियल इस्टेट का बिजनेस था वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा था, उसमें रुकावट आई तो कई लोग बेरोजगार हुए। तो ये तमाम मुद्दे जो है तमाम लोगों के सामने हैं। लेकिन ये भी मैं आपको बताऊं कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, वो भी एक मुद्दा बीजेपी लेके लोगों के बीच जा रही है। काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर जो बना, उस मुद्दे को भी बीजेपी लेके जा रही है। लेकिन विपक्ष जो है फ्री बिजली का मुद्दा उभार रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है दोनों सत्ता और विपक्ष जो है अपने अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो करंट की बात अगर हम करें तो इस बार करंट दिखाई नहीं दे रहा किसी पार्टी के पक्ष में, और ये कह सकते हैं कि अंडर करंट है, और रिजल्ट बहुत चौंकाने वाला होगा, और जिस पार्टी के पक्ष में जाएगा दूसरी पार्टी के लिए यह अचंभित करने वाला होगा। जी बिल्कुल अशफाक, बने रहिए आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो काफी दिलचस्प मुकाबला इस बार जो है यूपी में देखने को मिल रहा है, हालांकि दो चरण के मतदान हो चुके हैं, तीसरे चरण का कल मतदान होना है, लेकिन इससे पहले तमाम जोर शोर से यहां पर प्रचार प्रसार चौथे पांचवे चरण के लिए भी लगातार किया जा रहा है। तमाम सीटों का दौरा जो है तमाम नेता कर रहे हैं, और आज जेपी नड्डा दौरे पर रहने वाले हैं पीलीभीत, सुल्तानपुर और अन्य जगह पर जो है जेपी नड्डा का दौरा है, तमाम कार्यक्रम भी रहने वाले हैं और बैठकें भी करेंगे।